हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। सामने खड़ी है भाई क्यूट सी गाड़ी जिसका नाम है मारुति सुजुकी सिलेरियो। मतलब हाल ही में इसका नया फेसलिफ्ट आया था और आप ये उसका VXI वेरिएंट देख रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करेंगे आज। तो यहाँ पे आप चेक कर लो इसकी रियर लुक्स, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि और ज़्यादा क्यूट लगती है ये लाइटों की वजह से। ये गोल गोल सी लाइटें दे दी हैं और सबसे अच्छी चीज़ है भाई ऑल्टो 800 और K10 में, जो कि मेरे को नहीं लगती भाई, वहाँ पर अंदर से बूट खोलनी पड़ती है। यहाँ पर हमें ये दे दिया है, चलो काफ़ी अच्छी और यूज़फुल चीज़ है। वाइपर डिफोगर वगैरह आप उसमें मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की बात करोगे तो ओ भाई ये क्या गिर गया है, इसमें चाह नहीं रही है ये रिव्यू करवाना आज मेरे से। चलो कोई बात नहीं, 313 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है पार्सल ट्रे वगैरह के साथ। मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे को ये वेरियंट लगता है भाई, इसको बस एक लोकल घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, मतलब क्या चाहिए यार, ठीक है 5-5.5 लाख रुपये में। और ये आपका वॉशर है, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको यहाँ पर कोई शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया। और यहाँ पे टायर साइज चेक कर लो, 14 इंचज़ के स्टील व्हील्स मिलेंगे आपको विद व्हील कवर। और यहाँ पर आप इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, मतलब इन्होंने यार वही दिए हैं शुरू से लेके, ओल्ड स्कूल वाले जो खुलते हैं ना इनके। और भाई वाइड ओपनिंग देखो तुम, कितने ज़्यादा वाइड ओपनिंग है भाई साहब डोर इसके। इंजन भाई आपको मैं एंड में दिखाई दूंगा इसका, 1000 CC का इंजन आता है। ये देखो भाई तुम, ऑलमोस्ट 90 डिग्री भाई साहब, एल्ट्रो टक्कर दे देता है इसका डोर तो भाई ज़बरदस्त। मैं तो खुश हो गया इस चीज़ से यार। और स्पेस की बात करोगे तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट किया हुआ है मैंने, आर्मरेस्ट आपको बीच में मिल जाता है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा और स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। K10 में ज़्यादा स्पेस भाई इसमें मेरे को लग रहा था, K10 में ज़्यादा मिलता है, बट इसमें भी ठीक ठाक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप थोड़ा इंटीरियर देख सकते हो। सेफ्टी में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और यहाँ पर आपको 2 DIN का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और AC वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बट ऑटो क्लाइम कंट्रोल नहीं मिलने वाला ऑफकोर्स ही बात है। यहाँ पे आपके जो पीछे के पावर विंडोज हैं आपको बीच में मिलते हैं, थोड़ा सा अजीब है, मतलब जिसको जो पहली बार बैठेगा भाई उसको तो अजीब लगेगा कि ये कहाँ पे बटन दे दिए, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि झुकना पड़ेगा यार वहाँ पे बार बार पावर विंडोज़ के लिए ना, बट कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑफर किया गया है और हमें। सो यहाँ पर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा और अच्छा खासा ORVM आपको मिल जाता है, जिसपे आपको टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और यहाँ पर फ्रंट लुक आप चेक कर लो यार, काफ़ी क्यूट सी गाड़ी लगती है यार, मतलब बहुत क्यूट सी, जिसको मतलब यार ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करनी है, नॉर्मल इधर उधर जाना है या फिर अपने घर वालों को गिफ्ट करना है, मतलब 5 लाख तक की गाड़ी को छोटी, तो भाई बेस्ट चॉइस है भाई सिलेरियो दे दो। यहाँ पे फॉग लाइट्स आपको नहीं दी गई, हेलोजन लाइट्स भी मिल जाती हैं। और ये देख लो, मेरा बस कहने का ये मतलब है कि ऑल्टो 800 और K10 मतलब कि उनसे यार बेटर है भाई, उनसे अच्छी लग रही है भाई सिलेरियो दिखने में भी और अंदर भी आपको थोड़ी अच्छी ज़्यादा फील मिलने वाली है। या तो K10 लेना, 800 मत लेना भाई, मैंने सीधे कह दी तुम्हें मत लेना, ठीक है। और ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा इसमें। तो चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आपको पावर विंडोज के कंट्रोल नहीं मिलने वाले भाई, यहाँ से हटाई दिया इन्होंने, इन्होंने सोचा भाई लगे रहते हैं साला बटन ऊपर नीचे बीच में दे देंगे आप कहीं, तो इन्होंने जगह ही हटा दी यहाँ से। ORVM आपको यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आप पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, स्टेयरिंग पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं VXI वेरिएंट से ही, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, 180 तक की टॉप स्पीड है इसकी, बट जाएगी तो नहीं इतना हमें भी पता है। और सो तो चलो इसको बंद कर दें दरवाजे को, क्वालिटी देख लो यार ठीक ठाक है, मारुति की है क्योंकि पता ही है हमें। AC वेंट्स आपके यहाँ पे गोल गोल मिलने वाले हैं क्यूट क्यूट से, क्योंकि गाड़ी भी बाहर से हमारी गोल गोल है। और ये है भाई यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट के बटन देख लो, ये है आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, और डोर्स को भी यहाँ से आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। और ये है मैनुअल हैंडब्रेक और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और अच्छा खासा गियर बॉक्स आपको मिलेगा प्यारा सा, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। AC के कंट्रोल चेक कर लो, 12 वोल्ट का सॉकेट टायर इन्फ्लेटर के लिए, और यहाँ पर आप कुछ एड ऑन करवा सकते हो बाहर जाके। और ये है आपके AC वेंट्स देख लो, यहाँ पर यहाँ पर लंबे वाले मिलेंगे। और ये है आपकी एयरबैग की बैजिंग, IRVM आपका यहाँ पर मैनुअल रहने वाला है। और यहाँ पर बीच में आपको कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलेगा, लाइट मिल जाती है हेलोजन, और वैनिटी आपको मिरर दिया गया है को ड्राइवर साइड में। और यहाँ ये छत की क्वालिटी देख लो थोड़ी सी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई दबाने से वही खड़ी जाएगी छत, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी खासी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे कूल फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये था भाई अंदर का इंटीरियर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। स्टेयरिंग आप इस मॉडल में एडजस्ट नहीं कर सकते, इस वेरियंट में, ऊपर वाले भाई मैंने देखे नहीं है, तो क्या पता उसमें कर सकते हो, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ से आप चलो इसका बोनट खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ इंजन एक कैसी सेटिंग बिठा रखी है भाई इन्होंने इंजन की। 1000 CC का इंजन मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, और जो कि आपकी अच्छी खासी मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर निकाल के दे देता है।
सो ये देख लो दोस्तों, ये है इसका इंजन 1000 cc का, जो आपको 65 bhp निकाल के देता है विद 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और कंपनी जो इसकी माइलेज क्लेम कर रही है वो है 22 किलोमीटर पर आवर की, 22 से 23, बाकी 25 भी दे दे क्या पता, बाकी आप चलाने वाले हो भाई आप मेरे को ज़रूर बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी बहुत और वीडियोज़ आने वाली है धमाकेदार। और Hyundai टाटा की भाई बहुत रिक्वेस्ट आ रही है भाई, पक्का इसके बाद वही आनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।